भारत देश अपनी अजब गजब मान्यताओं के लिए फेमस है। भारत में कई ऐसे मंदिर, गुरुद्वारे और मजार हैं जहां मन्नत पूरी होने पर प्रसाद की जगह तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हरियाणा में अम्बाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक 9 गज की मजार है जहां मन्नत पूरी होने पर लोग घड़ियां चढ़ाते हैं। जी हाँ, इस मजार पर लोग मन्नत पूरी होने के बाद पीर बाबा को घड़ी चढ़ाते हैं। आपको बता दें, घड़ियों के चढ़ावे के पीछे यहाँ 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। एक तरफ कुछ लोगों की ये मान्यता है कि जिन पीर बाबा की ये मजार है वो समय के बहुत पाबंद थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य लोगों की मान्यता है कि हाईवे पर वाहन चालकों की चिंता समय और सुरक्षित पहुंचने की होती है। ऐसे में यहाँ घड़ी चढ़ाकर ये दुआ मांगते हैं कि वो समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। साथ ही बता दें कि एक मान्यता ये भी है कि ये मजार हिंदू मुस्लिम की एकता की प्रतीक है, क्योंकि यहाँ मजार के साथ ही भगवान शिव का भी मंदिर है। कहा जाता है कि ये 9 गजा पीर सैयद इब्राहिम बादशाह की मजार है। ये इराक से आए थे और शाहबाद मारकंडा के कल्याण गांव में रहते थे। उनका कद 8 गज था, जो भारतीय माप के अनुसार 8 मीटर 36 इंच या 27 फीट है। पंजाब में 9 गजा पीर की कई शाखाएं हैं। इस मजार की देखरेख का जिम्मा रेड क्रॉस एजेंसी के पास है। यहाँ पर इतनी ज्यादा घड़ियां चढ़ती हैं कि रेड क्रॉस एजेंसी को इन्हें बेचना पड़ता है और उन पैसों से मजार की देखभाल की जाती है और मजार की सेवा करने वालों को वेतन दिया जाता है। यहाँ हफ्ते में गुरुवार और रविवार के दिन मेला भी लगता है। वैसे तो हर जगह की अपनी अलग मान्यताएं होती हैं, लेकिन आपकी इस 9 गजी मजार के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही स्पेशल स्टोरीज के लिए बने रहिए इनसाइड न्यूज के साथ।